नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड के बीच चल रहा डामरीकरण का काम सवालों के घेरे में है। 2 साल पहले जारी हुए टेंडर और वर्क ऑर्डर के बाद बुधवार से ठेकेदार ने डामरीकरण तो शुरू कर दिया, लेकिन ऐसी स्थिति में सीमेंट कंक्रीट की सड़क की ना तो सफाई की और ना ही इसके गड्ढों को ठीक किया। 17 लाख रुपए की लागत से हो रहे डामरीकरण का हश्र क्या होगा, ये सबको पता है। नए बस स्टैंड से शमशान घाट होती हुई यह सड़क मंदी से होती हुई पुराने बस स्टैंड तक जाती है। 6 साल से सड़क की हालत खराब है। कृषि उपज मंडी और शमशान जाने वाला यह मुख्य मार्ग है। जर्जर सड़क के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, आने जाने में भी परेशानी होती थी। 12 साल पहले बनी सड़क का मेंटेनेंस नहीं हुआ और नतीजन सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। अब सड़क पर डामर कोट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से डामरीकरण किया जा रहा है उससे सड़क के एक बार फिर से खराब होने की आशंका रहेगी। हालांकि मंडी के इंजीनियर जितेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि डामरीकरण की गारंटी 5 साल की रहेगी। ये खड्डा हो गया है, अभी ट्रक गया तो। अभी खाली एक ट्रक निकल के गया और खड्डा होगा, खाली एक ट्रक निकला और ये पोजीशन। मतलब माल सही है, आयल ज्यादा है और डंपर कम है। कई बार मंडी प्रशासन से आग्रह किया किंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार पत्रकारगण जनप्रतिनिधिगण इस मांग को उठाते रहे, अब जाके इसकी सुधली है। कितने साल में एक लिमिट होगी ना सीसी रोड की देखरेख में मेंटेनेंस किया जाना है? 5-7 साल में एक बार होता है, लेकिन ये 12 साल हो गई, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ और 12 साल में पहली बार हो रहा है। 12 साल में पहली बार होगा।